वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल आपके नॉलेज के लिए है। कोई भी दवाई देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर के। दोस्तों, जब हम बकरी पालन करते हैं तो हमें बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब बकरियों में जो बीमारियां होती है तो उसमें आमतौर से जो पाया जाता है वो बकरियों में सर्दी वगैरह, और सर्दी का अगर वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो बाद में उसका जो है तो निमोनिया में तब्दील हो जाता है। इसलिए अगर हमारे बकरियों को निमोनिया हो जाए तो उसे वक्त पे जो है तो हमें ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर हम उसकी वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारे जो है तो बकरी की या बकरी के बच्चों की जो है तो मॉर्टेलिटी हो सकती है और हमें जो है तो एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो है तो निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज जो है तो हमारे भी एक बकरी के बच्चे को निमोनिया हुआ था तो उसकी ट्रीटमेंट मैंने किया, तो सोचा चलो उसका भी एक वीडियो बना लेता हूँ। जो भी नए किसान भाई या बकरी पालक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों, तो आज मैं जो आपको निमोनिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो मैं ये वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने को क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सी इंजेक्शन देना है, कौन सी दवा यूज करना है, तो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जो है तो उसे एक अच्छा एंटीबायोटिक देना जरूरी है। सर्दी अगर निमोनिया अगर हो जाए तो एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है। तो आज जो मैंने एंटीबायोटिक यूज किया वो मोनोसेप में हमेशा यूज करता हूँ, लेकिन मुझे जो है तो मोनोसेप मिला नहीं, मैंने वही कंटिन की जिसमें सेप्राक्सोन आता है, तो मैंने जोन नाम की ये दवाई ली है। और इसका जो दूसरी एक और एक दवा होती है मोनोसेप बोल के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ये जोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उसमें जो है तो सेप्राक्सोन कंटेन होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ये अपने इंसानों में जो है तो निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका जो है तो बकरियों में भी अच्छा रिजल्ट है, मैं हमेशा ये दवा इस्तेमाल करता हूँ। और इसका देने का तरीका जो है तो दो रूप से इसे दे सकते हैं, एक तो इसे आई एम भी दे सकते हैं या आई वी भी दे सकते हैं, यानी कि इसे जो है तो इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं या इंटरविनस भी दे सकते हैं, यानी नस में भी दे सकते हैं या गोश्त में भी दे सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका उसे जो है तो हम उसके गोश्त में इंजेक्शन दे। और रही इसकी इसकी डोज की मैं बताता हूँ आपको, और दूसरा जो इंजेक्शन हमें यूज करना है पेन किलर, जैसे कि सर्दी वगैरह हो जाए, निमोनिया हो जाए तो बकरियों को बुखार हो जाती है और बकरियां जो है तो ठसकने लग जाती है, तो उसके लिए दोस्तों हमें पेन किलर इस्तेमाल करना है। सबसे जाना माना ये जो है तो ब्रांड है, इसका नाम है जो है तो मेलोनेक्स प्लस। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा पेन किलर है, सिर्फ इसकी एक दिक्कत है कि जब हम इंजेक्शन देंगे बकरियों को तो एक मिनट भर उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होंगी, तो उन्हें हमें जो है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसे जो है तो हम ये इंजेक्शन दे। और ये इंजेक्शन के डोज के बारे में मैं आपको आगे उसके डोज के बारे में भी जानकारी देता हूँ। और ये इंजेक्शन और बहुत से बीमारियों में काम आता है, बुखार में काम आता है, अगर कुछ चोट वगैरह लग जाए, कुछ दर्द हो जाए तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरी दवा हमें इस्तेमाल करना है वो ये सीपीएम या फिर आप एविल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इंजेक्शन के पेन किलर वगैरह देने से या फिर एंटीबायोटिक देने की वजह से अगर हमारा एनिमल स्ट्रेस में ना आए, इसलिए हम जो है तो इसका इस्तेमाल साथ में करें, जरूर करें। तो दोस्तों, रही बात आप डोज की, तो मैं डोज के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो हम जो जोन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका डोज जो है तो हमारी अगर बड़ी बकरी है तो बड़ी बकरी को हम 5 ml दे। इसमें जो है तो 10 ml की लिक्विड की बॉटल आती है और जो है तो एक बॉटल में जो है तो पाउडर आता है। अब दोनों को मिक्स करके जो है तो उसका जो है तो पूरा 10 ml का ये जो है तो ये बन जाता है। तो दोस्तों, हमें एक बड़े बकरी को इसको 5 ml देना है और छोटे बच्चों को हमें 2 ml देना है। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें। और रही बात दूसरी जो मेलोनेक्स प्लस है, तो मेलोनेक्स प्लस का डोज जो है तो 10 किलो बॉडी वेट को हमें 1 ml देना है। 10 किलो बॉडी वेट को 1 ml देना है। हमारी बकरी अगर बड़ी है 40-50 किलो की तो हम इसे 4 से 5 ml दे सकते हैं, और अगर छोटा बच्चा है 20 किलो का बच्चा है तो हम कम से कम 2 ml ये इंजेक्शन हम दे। और जो तीसरी दवा है ये सीपीएम,
तो सीपीएम का इस्तेमाल हम ये भी 10 किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई बी कॉम्प्लेक्स हमारे पास है जैसे ट्राइबेट वगैरह तो वो भी हम दे सकते हैं, या फिर ओरली भी हमारे पास जो बी कॉम्प्लेक्स है हम वो दे सकते हैं, या क्योंकि हम जो है तो एंटीबायोटिक वगैरह देने के बाद बकरिया जो है तो स्ट्रेस में आ सकती है, या तो हम उसे लीवर टॉनिक दे या फिर और कोई इंजेक्शन या ओरली हम कुछ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसका जो है तो ट्रीटमेंट करना है, और अगर कम से कम 3 दिन हमें कंटिन्यू ट्रीटमेंट चालू रखना है, हर रोज हमें इंजेक्शन देना है, कंटिन्यू 3 दिन लेना है, तो आपको बहुत जो है तो इसका असर देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।